नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के घोड़ा टांगर में पुलिस ने तीन युवक नयका उराव डूको निवासी, योगेंद्र उराव ग्राम गड़गांव सेन्हा निवासी और उमेश सिंह पतागाई निवासी को लोडेड देशी कट्टा और 315 बोर के 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस बात की जानकारी देते हुए एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने घाघरा थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि घोड़ा टांगर में तीन युवक दहशत फैलाने के उद्देश्य से हथियार के साथ घूम रहे हैं, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जब पुलिस घोड़ा टांगर पहुंची तो पुलिस को देख अपराधी भागने लगे। पुलिस ने तीनों युवकों को दौड़ाकर पकड़ा और उनकी तलाशी लेने पर नयका उराव के कमर से एक देशी लोडेड कट्टा, एक गोली और एक मोबाइल, योगेंद्र उराव के पास एक देशी लोडेड कट्टा और एक गोली तथा उमेश के पॉकेट से एक गोली पुलिस ने बरामद की। छापेमारी दल में अमित कुमार चौधरी सहित पुलिस जवान शामिल थे। थाना प्रभारी घाघरा पुनी अमित कुमार चौधरी सशस्त्र बल के साथ संध्या गश्ती क्षेत्र में कर रहे थे। इसी दौरान इनको सूचना मिली कि घोड़ा टांगर में तीन व्यक्ति को हथियार साथ देखा गया है। इस सूचना का सत्यापन आवश्यक कार्रवाई हेतु इन्होंने वरीय पदाधिकारी सूचित करते हुए घोड़ा टांगर गए और वहाँ पर जाकर गाड़ी की रोशनी में देखे कि तीन व्यक्ति पुलिस को गाड़ी को देखकर भागने लगा, जिसको खदेड़कर इनको अपने सशस्त्र बल साथ गए, सशस्त्र बल के साथ खदेड़कर उनको पकड़े, जिसको जमात राशि के क्रम में इसमें दो लोग पास नवा उड़ाव और योगेंद्र उड़ाव के खोसा हुआ कमर खोसा हुआ एक हथियार लोड स्थिति में दोनों के पास पाया गया और एक के पास जो उमेश सिंह के पास एक गोली पॉकेट में पाया गया, जिसे पूछताछ करने में बताया कि डीपीसी के अमित कुमार उड़ाव जो जेल में हैं उन्हीं के द्वारा ये हथियार दी गई थी। इसी हथियार लेकर ये लोग गांव में घूम रहे थे और दहशत व्याप्त कर रहे थे, जिनको विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में और बातें आई है जिसको सत्यापन कर रहे हैं और इस पर इन पर जल्द ही आरोप पत्र सबमिट किया जाएगा। बरामद हथियार का प्रकार क्या है सर? ये बरामद हथियार का प्रकार क्या है, क्या कौन प्रकार का हथियार? एक नौका उड़ाव है जो रहने वाले आपके टूको घाघरा के हैं और एक योगेंद्र उड़ाव जो गढ़गांव सेना के रहने वाले हैं, उनके पास से हथियार मिला है और उमेश सिंह के पास एक गोली मिला है। हथियार कौन सा है? कौन सा हथियार यही मिला? देसी नकटुआ है, देसी पिस्टल, जो लोडेड हाल था जिसमें 315 बोल की गोली लगी हुई है।